राजधानी दिल्ली में रविवार की शाम हुई बारिश से प्रदूषण के स्तर में कुछ तो कमी देखने को मिल रही है। आज सुबह दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में प्रदूषण का 400 के नीचे पहुंच जाना थोड़ी राहत भरी खबर रहा, जो रविवार की सुबह 500 के पार देखने को मिल रहा था। पटाखों के कारण बढ़े प्रदूषण को बारिश ने कुछ हद तक कम कर दिया। हालांकि अभी भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में ही बना हुआ है। आज दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 319 दर्ज किया गया, जबकि नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में है। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 344 दर्ज किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 500 के पार था वो थोड़ा कम होकर 400 की श्रेणी में आया है, लेकिन AQI अगर 200 से ज्यादा है, यानी 250 से ज्यादा है, तो फिर वो खराब श्रेणी में होते होते बेहद खराब श्रेणी में पहुंच जाता है। 500 से ज्यादा AQI का पहुंच जाना बहुत बहुत खराब श्रेणी है, जिसमें आप में आंखों में जलन, आपको खांसी, हो सकता है कोई इन्फेक्शन भी हो जाए। और ऐसे में थोड़ी बारिश दिल्ली वालों के लिए राहत तो लेकर आई, लेकिन मुश्किल अभी कम नहीं हुई है। ये चार तस्वीरें, बारिश से प्रदूषण घटा, लोगों ने राहत की सांस ली, यमुना में जहरीला झाग देख रहे हैं आप। दिल्ली में AQI 400 के नीचे है, लेकिन ये बहुत अच्छी भी खबर इसलिए नहीं है क्योंकि 400 से नीचे आ जाना अभी ऐसा नहीं है कि खतरे की घंटी नहीं बजेगी या फिर खतरा टल गया है। आप इसे ये मानकर चलिए क्योंकि बारिश हुई, और इसके जिम्मेदार वो लोग भी हैं जिन्होंने सरकार की अपील के बावजूद, गाइडलाइंस के बावजूद पटाखे फोड़े। उसका खामियाजा ये हुआ कि दिल्ली वासी कैसे, दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में पहुंचा। विजय चौक से वरुण भसीन जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी। वरुण, अभी क्या अपडेट है, ताजा हालात क्या हैं और मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी है, ये भी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली के लिए सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो कुछ 30 से 40 घंटे अभी आने वाले ऐसे हैं जिसमें वो साफ हवा में सांस ले पाएंगे, जो बहुत लंबे समय से इंतजार था दिल्ली को। पिछले 20 दिनों से लगातार एक स्मॉग ने घेरा हुआ था पूरे NCR को, वो कहीं ना कहीं रविवार को हुई बारिश से छट चुका है। अभी फिलहाल हवाएं चल रही हैं, वो एक साफ हवा जो दिल्ली वाले बेहद लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो आज उन्हें देखने को मिल रही है। लेकिन ये सिर्फ 30 से 40 घंटे की बात है, जो 500 पे श्रेणी पे कल सुबह जी न्यूज ने ही रिपोर्ट किया था कि जो गंभीर श्रेणी में था दिवाली के बाद पटाखों का जो प्रदूषण था वो शाम को हुई बारिश के कारण कहीं ना कहीं छट गया। वो पार्टिकल्स थे, जो पॉल्यूटेंट्स थे, वो कहीं ना कहीं जमीन पर वापस आ गए। जो पेड़ों पर मिट्टी जमी थी वो हट चुकी है, लेकिन ये जो अभी पॉल्यूशन है वो फिर बढ़ेगा क्योंकि जो तापमान है मौसम विभाग के अनुसार वो एक बार फिर से नीचे गिरेगा। और जो पॉल्यूशन की परेशानी लंबे समय से देखने को मिल रही थी, उसकी सिर्फ 2 दिन साफ हवा के मिलने वाले दिल्ली को। और मौसम विभाग का साफ कहना है कि जो तापमान है वो बेहद लंबे समय से अभी जो चल रहा था कि दिल्ली में सर्दी की एक जो एंट्री नहीं हो पा रही थी, वो इस बारिश की वजह से अब होगी। पूरे नॉर्थ में हमने देखा कि किस तरह से बारिश चल रही थी, और मौसम विभाग अब यही कह रहा है कि नॉर्थ में जैसे जैसे तापमान गिरता जाएगा वैसे वैसे ये पॉल्यूशन के पार्टिकल्स, समझिए वो स्मॉग क्या होता है, स्मॉग यानी कि स्मोक प्लस फॉग, अब जैसे जैसे वो फॉग बढ़ेगा और उसमें स्मोक अपना साथ देता रहेगा, तो ये मिलके स्मॉग बनेंगे और ये दिल्ली वालों को एक बार फिर से 18 तारीख से परेशान करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि एक दो दीर्घकालिक उपाय हैं वो अब तक दिल्ली में नहीं उठाए गए और हर साल यही परेशानी हमें देखने को मिलती है। तो गनीमत है कि बारिश ने दिल्ली को इन 2 दिन में बचाव किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना, ऊपर से सर्दी बढ़ रही है और फिर पोल्यूशन, ये तीनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, और इसीलिए बार बार सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। वरुण बने रहिए, आपको मैं बता दूं पहले कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में क्या AQI बना हुआ है, AQI का लेवल क्या है। तो पूसा रोड पर AQI है 319। मैंने आपसे पहले भी कहा कि बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अभी बेहद खराब श्रेणी में कई इलाके ऐसे हैं जो बने हुए हैं। IIT दिल्ली 307 AQI दर्ज किया गया, IGI एयरपोर्ट पर 307 दर्ज किया गया। 250 से ऊपर पहुंचते ही श्रेणी खराब होने लगती है। लोधी रोड पर AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 है, माफ कीजिएगा। मथुरा रोड पर AQI 307 है, जो हवा की गुणवत्ता, हवा की क्वालिटी, वो मैं आपको बता रही हूँ। आनंद विहार में AQI 344 दर्ज किया गया है। तो कुछ इलाके ऐसे हैं जो अभी भी बहुत खराब श्रेणी में, जिनमें हवा की गुणवत्ता बनी हुई है, यानी सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन जैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं घर से बाहर निकलने पर। चांदनी चौक में 269 दर्ज किया गया है AQI। ये दिल्ली के अलग अलग इलाके हैं। ये सुबह 6 बजे
जो मापा गया है वो आपको लेटेस्ट अपडेट में इस वक्त बता रही हूँ। वरुण लगातार मेरे साथ जुड़े हैं। वरुण, देखिए जिसका जिक्र मैं पहले कर रही थी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कोरोना, जिसको लेकर खुद ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि सर्दियों में ये मामले बढ़ेंगे। हमने थर्ड वेव दिल्ली में देखी है, पोल्यूशन उसके साथ और फिर बारिश। अभी कितनी और सावधानी बरतने की जरूरत है और क्या तैयारी है? जी बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं तो उसमें ये कब बताया जा रहा है कि दिल्ली में इस जो तीसरी वेव है उसमें आते आते 15,000 कोरोना के मामले एक दिन में देखने को मिल सकते हैं। उसी को लेकर कल गृह मंत्रालय की मीटिंग भी हुई थी, वो हाई लेवल मीटिंग में ये तय हुआ है कि अब दिल्ली को एक बार फिर किस तरह से कोरोना से बचाया जाए, क्योंकि वहां पर भी ये सबको मालूम है, डॉक्टर्स का, एक्सपर्ट्स का, सबका यह कहना है कि प्रदूषण एक बहुत बड़ा कारक है जो कहीं ना कहीं कोरोना के पेशेंट्स को तो परेशान कर रहा है लेकिन इसको बढ़ने में भी देगा, क्योंकि वो पार्टिकल्स हैं वो हवा में ज्यादा देर तक तैर पाते हैं और उसी के कारण अब प्रदूषण और कोरोना दोस्ती कर पहुंचते हैं। और तापमान जिस तरह से गिरेगा वो भी फिलहाल जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, अगर आप खांसी जुकाम की बात करें तो एसिम्प्टोमेटिक पर्सन भी अगर खांसी जुकाम से जूझता है तो एक ही समाधान है। वरुण, जो बार बार कहा जा रहा है, सरकारें भी कह रही है, तमाम राज्य सरकारें, केंद्र सरकार और जी न्यूज भी यही अपील करता है अपने दर्शकों से, देखिए सावधानी बरतते रहिए, संयम रखिए, बहुत जरूरी है आपके लिए, आपके अपनों के लिए। वरुण धन्यवाद, आपके जरिए हर एक अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन प्रेजेंटिंग वी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store, डाउनलोड इट नाउ।